Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to one more important topic in active voice and passive voice, that is interchange of imperative sentences into passive voice. In previous videos we have discussed about the interchange of affirmative sentences, interrogative sentences into passive voice, and today imperative sentences. फर्स्ट हम ये देखेंगे व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस आर यूज टू मेक रिक्वेस्ट, टू गिव आर टेक परमिशन, आर टू गिव आर टेक सजेशन आर एडवाइज. इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं यह हमारे रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर या फिर परमिशन देने के लिए, एडवाइस या सजेशन देने या लेने के लिए हम यूज करते हैं. और जो मोस्ट कॉमन थिंग्स है इम्परेटिव सेंटेंसेस की, इम्परेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक एंड हियर ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, हियर ब्रिंग इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. या फिर गो अवे, कम हियर, दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस. एंड इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ डू नॉट. इम्परेटिव सेंटेंसेस जो प्रोहिबिटिव नेचर के होते हैं, जिसमें किसी कार्य को करने के लिए मनाही होती है या मना किया जाता है, वो बिगिन होते हैं हमेशा डू नॉट से, लाइक डू नॉट हर्ट अदर्स. इसमें यह आपको मेनली सजेशंस के लिए, ऑर्डर के लिए होता है जो डू नॉट से बिगिन होता है. तो ये इम्परेटिव सेंटेंस और इसके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ वी विल सी हाउ टू चेंज इम्परेटिव सेंटेंसेस इंटू पैसिव वॉइस. Rules to change imperative sentences into passive voice. So here, let is used to change imperative sentences into passive voice. Like जो हमारा other affirmative और interrogative sentences के example हैं कि कैसे हम उसे change करते थे, तो उससे थोड़ा यह different है. यहाँ imperative sentences को हम passive voice में change करने के लिए let use करते हैं, और let के साथ जब हम change करते हैं तो structure होता है let plus object plus be plus third form of verb. यह हमारा passive voice का structure है जो imperative sentences का होता है let से begin. अब example क्या है, post this letter. अब यहाँ पे यह है पोस्ट, यह हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको लेट से यूज करेंगे, तो लेट हम लेट ऐड करते हैं अपनी तरफ से लेट. और इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का है दिस लेटर, तो हो जाएगा लेट दिस लेटर. बी हमारे स्ट्रक्चर में है, बी ऐड करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पोस्ट का हो जाएगा पोस्टेड. तो यह हो गया लेट दिस लेटर बी पोस्टेड. नेक्स्ट है गेट हिम आउट, तो हेयर है लेट him be got out. let here हमारा structure में है, object हमारा है him, और यहाँ पे be structure में again है, और got, get का third form हमारा यहाँ got out. तो ये हमारा होता है अब passive voice का get him out का. bring me a cup of coffee, तो ये हो जाएगा let a cup of coffee be brought to me. अब यहाँ पे bring me, यहाँ me जो है यह to me में change हो जाएगा, object है और एक cup of coffee दो object है, तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के. लेट ए कप ऑफ कॉफी बी ब्रॉट टू मी, टेल हिम टू वेट. लेट हिम बी टोल्ड टू वेट, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट. या ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन. तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, ये हम चेंज करते हैं लेट का यूज करके. लेट के बाद फिर हम रखते हैं एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद बी फॉर्म हम रखते हैं, बी रखते हैं, एंड देन लास्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं. तो इससे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है. कभी भी हम चेंज करें इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को, तो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है सिर्फ वही चेंज होते हैं, तो इसको यहाँ पर हमेशा फॉलो करेंगे और लेट का ही यूज करके ज्यादा से ज्यादा अगर बनाए इंपरेटिव सेंटेंस, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू शुड लेफ्ट. तो ये हमारा जो है कि अलग अलग यूजेस है लेट के साथ. इसी सेंटेंस को हम एक दूसरे वे में, इन्हीं सेंटेंसेस को जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या कमांड दिया जाता है, उसमें हम उसको शुड बी का भी यूज करके चेंज कर सकते हैं. लेट अस सी हियर, इंपरेटिव सेंटेंसेस कैन ऑलवेज सो बी चेंज्ड इनटू इन द फॉलोइंग वेज. और जब इस तरह से होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होता है. यह हमारा यहाँ पे लेट का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. तो हियर है ओपन द डोर, तो द डोर शुड बी ओपेंड. शुड बी है यहाँ पे, शुड बी हो गया, द डोर ऑब्जेक्ट है, और ओपेंड हमारा यहाँ पे जो वर्ब है या थर्ड फॉर्म में, तो द डोर शुड बी ओपेंड. एक्टिव अगेन है पोस्ट द लेटर,
द लेटर शुड बी पोस्टेड, ऑब्जेक्ट है द लेटर शुड बी, स्ट्रक्चर में है और पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, टेल हिम टू वेट, टेल हिम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे ही और फिर शुड बी ऐड करेंगे, और यहाँ टेल का टोल्ड किस लिए, टू वेट, ही शुड बी टोल्ड टू वेट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब थर्ड का यूज करके पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारे प्रोहिबिटिव नेचर के होते हैं, जो कि डू नॉट से बिगिन होते हैं, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसके केस में इनके चेंज करने का रूल्स है, इंपरेटिव सेंटेंसेस विच बिगिंस विद डू नॉट इज चेंज इन द फॉलोइंग वे, ऐसे सेंटेंसेस जो डू नॉट से, जैसे हमने बिगिनिंग में बताया डू नॉट हर्ट अदर्स, डोंट गो देयर, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ऐसे सेंटेंसेस जो इंपरेटिव होते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेट का यूज करके भी उसको बनाते हैं, लाइक हियर डू नॉट किल द एनिमल्स। अब हियर है डू नॉट, इसका मतलब आपको एनिमल को मारने से मना किया जा रहा है, तो इस केस में जब होता है तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो डू हमारा क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, डू हटा दिया जाता है, तो डू नॉट किल द एनिमल्स। और हम इस फॉर्मेट पर जब रखते हैं तो लेट हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं लेट, और ऑब्जेक्ट हमारा है द एनिमल्स, लेट द एनिमल्स, और नॉट हमारा है नॉट, बी भी स्ट्रक्चर में है बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किल इज किल्ड, तो लेट द एनिमल्स नॉट बी किल्ड। ये होता है इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का दैट बिगिंस विथ डू नॉट, डू नॉट अब्यूज अदर्स, लेट अदर्स नॉट बी अब्यूज्ड, लेट स्ट्रक्चर में, अदर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, नॉट और बी स्ट्रक्चर में, और एब्यूज का थर्ड फॉर्म हमारा एब्यूज, लेट अदर्स नॉट बी एब्यूज्ड एंड डू नॉट बीट द चाइल्ड। तो हियर डू नॉट है अगेन, तो डू एलिमिनेट करेंगे, लेट से बिगिन करेंगे लेट, और द ऑब्जेक्ट है द चाइल्ड नॉट बी बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव जो डू नॉट से बिगिन होते हैं उसके लिए है। इन्हीं को हम चेंज कर सकते हैं दूसरे में, ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म से भी, तो इसको चेंज करेंगे डू नॉट ओपन द डोर, तो इन दिस केस द एग्जाम द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैसिव वॉइस बी द डोर ऑब्जेक्ट है शुड नॉट बी, द डोर शुड नॉट बी ओपेंड, एंड डू नॉट पोस्ट द लेटर, तो हियर ऑब्जेक्ट है द लेटर एंड शुड नॉट बी, हियर इट इज इन द फॉर्मेट द लेटर शुड नॉट बी एंड वर्ब थर्ड पोस्टेड। तो यह जो है कि अलग अलग तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, दीज आर द टू बेसिक रूल्स एंड टू मेजर रूल्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी हमारा सेंटेंस जो होता है वह प्लीज या सर काइंडली से बिगिन होता है, इस तरह से हम इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में आता है प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी, दीज आर ऑल्सो कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, एंड इफ प्लीज आर काइंडली इज यूज्ड इन इंपरेटिव सेंटेंसेस सच वर्ड्स आर एलिमिनेटेड एंड पैसिव सेंटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड विथ यू आर रिक्वेस्टेड आर एडवाइज्ड। मीन्स अगर सर या काइंडली यूज होता है इंपरेटिव सेंटेंस में तो उस केस में हम जो है इनको हटा देते हैं पैसिव वॉइस में, और स्ट्रक्चर जो हमारा पैसिव वॉइस का होता है वह इंट्रोड्यूस होता बिगिन होता है यू आर रिक्वेस्टेड या एडवाइज से, लाइक प्लीज कम हियर, प्लीज यहाँ है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस तरह से यह हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ पर यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स, यहाँ देखिए सर या काइंडली यूज नहीं है, प्लीज यूज नहीं है, फिर भी यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं इसको, प्लीज गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। अब हम अगर इसमें स्ट्रक्चर में देखें किस तरह से प्लीज कम हियर और प्लीज गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में देखें तो प्लीज और प्लीज को हटा दिया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर दिया गया, और हियर भी यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐड कर दिया गया, बाकी सेम हमारा क्या है एज इट इज वही है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि ओनली ट्रांजिटिव कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, दिस डज नॉट फॉलो हियर, दैट्स आई पर्सनली एडवाइज यू नॉट टू यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस टू इंटरचेंज इनटू पैसिव वॉइस, ऑलवेज यूज द फॉर्मेट लेट that is used earlier to change into passive voice. Here you are requested to give him a book, please give him a book, the passive voice of this sentence is you are requested to give him a book. Obey the rules of the road, you are advised to obey the rules of the road. तो ये हमारे ऐसे हैं, यहाँ पे सब में verb हमारा intransitive है, कुछ में transitive है, तो इसको जब change करते हैं तो यहाँ पे conflictions है कई बार लेकर के कि ये change नहीं होते हैं, फिर भी हमने आपको for your information ये हमने आपको बता दिया, लेकिन इस तरह की चीजों को आप यूज
ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेट का यूज करके बनाएं। लेट का यूज करने से कभी कोई मिस्टेक्स नहीं होता है, दैट इज वेरी जो है कि कॉमन रूल है, और उसमें कभी कोई उसमें जो है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वही चेंज हो जा पाते हैं। अब इसमें एक और है इंपरेटिव सेंटेंस जो कि रिक्वेस्ट प्रोहिबिटिव नेचर का है, इट कैन बी चेंज्ड एज मींस प्लीज डू नॉट कम हियर। अभी यही इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा रिक्वेस्ट नेचर का है और नेगेटिव में है तो उसको चेंज करने के लिए है एक्टिव वॉइस है प्लीज डू नॉट कम हियर, तो यहाँ पर यह हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के डिफरेंट रूल्स रहे, कैसे हम इसको चेंज करते हैं एग्जाम्पल्स भी देखें। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, इससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस विल बी सेंड टू यू इन गूगल क्लासरूम, एंड रिवाइज ऑल दिस टॉपिक थ्रू योर बुक्स, एंड इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन फील फ्री टू आस्क मी थ्रू गूगल क्लासरूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।